ప్రజలంతా సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ కావడమే కరోనా వైరస్ కట్టడికి పరిష్కార మార్గమన్నారు ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ రణ్దీప్ గులేరియా. 21 రోజుల లాక్డౌన్ ను ప్రజలు పాటిస్తే కరోనా విస్తరించకుండా అడ్డుకోవచ్చన్నారు. ప్రభుత్వ సూచనలు తేలికగా తీసుకోవద్దన్నారు. ఇండ్లలోనే ఉండి యోగాతో పాటు ఇండోర్ గేమ్స్ ఆడుకోవాలన్నారు. पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ है और ये देश के लिए बहुत जरूरी है अगर हमें कोरोना की लड़ाई से जीतना है. लेकिन इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे लोग घर के अंदर हैं वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें. और जब हम स्वस्थ की रखने की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि वी हैव टू बी फिजिकली हेल्दी एंड मेंटली हेल्दी. फिजिकली हेल्दी रहने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप सुबह उठ के एक खुली जगह में योगा करें, अपने एक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएं. अगर आपके घर में घर के अंदर एक पार्क है तो अपने लॉन में वॉक करें, या घर के अंदर एक एरिया बना लें जहां पे आप घूम के पार्क वॉक कर सकते हो और नंबर ऑफ टाइम्स आप वहां पे वॉकिंग कर सकते हो. कोरोना वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है पर हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं. दूसरा, एम्स में ऑल दो ओपीडी बंद है लेकिन इमरजेंसी का लोड कम नहीं हुआ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमरजेंसी का लोड कुछ बढ़ा ही है क्योंकि अब जो ओपीडी वाले भी पेशेंट जो थोड़े बहुत थे और जिनको तकलीफ है उसी दिन